आरसी एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेसन नंबर 16 जैविक और अजैविक संसाधनों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें टॉपिक चल रहा है खनिज संसाधन। देखिए, खनिज संसाधन क्या है, यानी खनिजों के बारे में अगर देखें तो खनिज एक मानव के लिए एक महत्वपूर्ण रूप में माने गए हैं, क्योंकि ये खनिज मानव की जीविका के साधन के रूप में माने जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो खनिज किसे कहेंगे, वे प्राकृतिक पदार्थ जो प्रकृति के माध्यम से खोदकर एवं खोजकर निकाले जाते हैं, यानी वे प्राकृतिक पदार्थ जो प्रकृति के माध्यम से खोदकर एवं खोजकर निकाले जाते हैं, ऐसे पदार्थों को खनिज के रूप में कहा जाता है। ये खनिज सभी जगह समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। जहाँ देखा गया, भारत के आधार पर अगर देखें हम, तो भारत में खनिजों की स्थिति बहुत प्राचीन समय से मानी जाती है, लेकिन इन खनिजों का जो उपयोग है दिन प्रतिदिन बढ़ते जाने के कारण इनका उत्पादन भी उसी अनुसार से बढ़ता चला गया। जहाँ 1947 तक भारत में लगभग 22 प्रकार के खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई थी, लेकिन इन खनिजों की दिन प्रतिदिन अधिक खोज होने के कारण और ये खनिज यानी बढ़ते चले गए और आज लगभग भारत में 125 प्रकार के खनिजों के बारे में जानकारी हो चुकी है। इन 125 प्रकार के खनिजों में से लगभग 35 प्रकार के खनिज आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्या बताया कि 1947 तक भारत में केवल 22 प्रकार की खनिजों की जानकारी थी, लेकिन इन खनिजों की अधिक आवश्यकता या दिन प्रतिदिन इनकी खोज के कारण इनकी जो वर्तमान स्थिति अगर देखें तो यहाँ 125 प्रकार के खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। उनमें से 35 प्रकार के खनिज ऐसे हैं जो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करते हैं। अब देखिए, इनमें ये जो 35 प्रकार के जो खनिज हैं, इन खनिजों की स्थिति भी यहाँ अलग अलग रूप में दी गई है। इस कारण से भारत में ये खनिजों का जो वितरण है वो वितरण अलग रूप में दिया गया है। तो आगे टॉपिक के रूप में अगर हम बात करें तो भारत में खनिजों का वितरण, भारत में खनिजों का वितरण, भारत में खनिजों का वितरण। तो देखिए, भारत में खनिजों का जो वितरण है वो वितरण अलग अलग आधार पर मुख्य रूप से 6 मेखलाओं के रूप में निर्धारित किया गया है। यानी भारत में जो खनिजों का जो वितरण है वो 6 मेखलाओं के आधार पर, मेखला का मतलब यहाँ खान से लिया गया है, तो इस आधार पर कह सकते हैं कि भारत में खनिजों का जो वितरण है वो 6 मेखलाओं के आधार पर प्रकट किया गया है, जिसमें नंबर 1 आती है झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल
मेघला। पहले मेघला का नाम बताया झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल मेघला। इस मेघला की अगर बात करें हम तो इसमें जो खनिजों का आधार पाया गया है वो काफ़ी अधिक पाया गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्राचीन समय से ही खनिजों का उत्पादन किया जा रहा है। इनमें अगर देखें तो सबसे प्रमुख जो छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार महत्वपूर्ण माना गया है, यानी जो झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जो मेघला है, और उस मेघला में अगर हम देखें तो जिसमें जो छोटा नागपुर का पठार है इसके आसपास खनिजों की पर्याप्तता पाई गई है। यहाँ पर पाए जाने वाले खनिजों में बात करते हैं, यहाँ पर पाए जाने वाले खनिजों में जैसे कोयला, लोहे एस, यहाँ पर पाए जाने वाले खनिजों में जैसे कोयला है, लोहे एस का है, मैग्नीज है, अब्रक, कोयला, लोहेस, मैग्नीज, अब्रक, क्रोमाइट, इसके साथ ही फास्फेट व चूना पत्थर, फास्फेट, चूना पत्थर आदि खनिज पदार्थ इस मेघला के अंतर्गत पाए गए हैं। इस कारण से यह मेघला भारत की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मेघला मानी जाती है। इसके बाद में नंबर दो आता है, नंबर दो मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश मेघला। पहली झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल मेघला, नंबर दो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश मेघला। इस मेघला में भी अगर देखें तो यहाँ खनिजों की पर्याप्तता पाई गई है, और इसमें पाए जाने वाले खनिजों की अगर बात करें तो जिसमें लोहे एस, कोयला, क्या क्या बताया, लोहे एस, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, लोहे एस, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, तांबा, क्रोमाइट, क्रोमाइट आदि खनिज पाए गए हैं। किसमें? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश मेघला, जिसमें चार राज्यों का निर्धारण किया गया है। इसमें पाए जाने वाले खनिजों में लोहा एस्क है, कोयला है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, चूना पत्थर है, तांबा है, क्रोमाइट या ग्रेनाइट, ऐसे खनिज पदार्थ इस मेघला के अंतर्गत पाए गए हैं।
नंबर तीसरी मेखला का नाम है नंबर तीन कर्नाटक, तमिलनाडु, मेघालय। नंबर तीन कर्नाटक, तमिलनाडु, मेघालय। देखिए यहाँ जो दक्षिण भारत के अंतर्गत हैं, और दक्षिण भारत में अगर देखें तो जो कर्नाटक और तमिलनाडु, क्योंकि इस मेखला में सबसे ज़्यादा जो स्थिति पाई गई है या खनिजों की बात करें, जिसमें कर्नाटक राज्य के अंतर्गत जो सोना सबसे अधिक जो भारत में पाया जाता है वो कर्नाटक राज्य में ही पाया जाता है। इसके अलावा जैसे अन्य खनिजों में बात करें तो उनमें आता है, यानी अन्य खनिजों की बात करें जिसमें लोहा एस क्या क्या बताया, सोना है, लोहा एस के हैं, मैग्नीज, तांबा मैग्नीज, बॉक्साइट, तांबा मैग्नीज बॉक्साइट, इसके अलावा लिग्नाइट, लिग्नाइट चूना पत्थर, आदि खनिज पदार्थ पाए गए हैं। तो मेखला का नाम क्या बताया, कर्नाटक, तमिलनाडु, मेखला, जिसमें सोना सबसे यहाँ ज़्यादा पाया गया है। इसके अलावा लोहे एस्क हैं, तांबा मैग्नीज बॉक्साइट, लिग्नाइट चूना पत्थर आदि खनिज इस मेखला के अंतर्गत पाए गए हैं। नंबर चार राजस्थान, गुजरात, मेघला। नंबर चार कौन सी है, राजस्थान, गुजरात, मेघला। देखिए यहाँ नाम आता है राजस्थान, गुजरात। जिस प्रकार से भारत को खनिजों का आधारघर कहा गया है, उसी प्रकार से यहाँ राजस्थान राज्य भी खनिजों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। तो भारत के पश्चिमी जो राज्यों में, जिसमें राजस्थान और गुजरात की स्थिति आती है, इन राज्यों में खनिजों की पर्याप्तता पाई गई है। इनमें से पाए जाने वाले खनिजों में कौन कौन से हैं, उनमें से अगर बात करें तो हम जिसमें सोना पत्थर, अभ्रक, सीसा जस्ता, मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी आदि खनिज पदार्थ इस मेखला के अंतर्गत पाए गए हैं। इस कारण से ये मेखला जो पश्चिमी भारत की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मेखला मानी जाती है, और इस क्षेत्र में जो प्राकृतिक गैस के भंडार भी पाए गए हैं, प्राकृतिक गैस के भंडार भी पाए गए हैं। जहाँ राजस्थान पहले बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता था, लेकिन वर्तमान समय में अगर देखें तो इस राज्य में खनिजों की पर्याप्तता होने के कारण
यहाँ जो आर्थिक स्थिति है उस आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ। इस कारण से राज्य की आर्थिक स्थिति भी पहले की तुलना में काफ़ी अच्छी हो चुकी है। इसलिए ये मेखला भी भारत की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण मेखला मानी जाती है। नंबर 5 केरल। नंबर 5 का नाम है केरल मेखला। देखिए केरल राज्य की अगर बात करें तो केरल राज्य पूर्णतः दक्षिण में स्थित है, यानी दक्षिण भारत के अंतर्गत आता है। और इस राज्य में जो खनिजों की दृष्टि से अगर देखें तो जिसमें मोनाजाइट है या एल्मेनाइट है या ब्रोमाइट है, ऐसे जो कुछ खनिज पदार्थ हैं वो खनिज पदार्थ इस मेघला के रूप में पाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जैसे एल्मेनाइट या गारनेट या चिकनी मिट्टी, ऐसे कुछ खनिज पदार्थ भी इस मेघला में पाए गए हैं। क्या क्या नाम बताया कि इस मेघला में जैसे मोनाजाइट एल्मेनाइट यूरेनियम मोनाजाइट एल्मेनाइट यूरेनियम गार्नेट चिकनी मिट्टी आदि खनिज इस मेखला के रूप में पाए गए हैं। और नंबर 6 और अंतिम हिमालय मेखला। नाम से पता चल रहा है हिमालय मेखला, अर्थात ये भारत के उत्तर में स्थित है। और भारत के उत्तर में स्थित होने के कारण इस मेखला में भी जो खनिज हैं वो काफ़ी अधिक पाए गए हैं। पाए जाने वाले खनिजों की अगर बात करें जिसमें सीसा जस्ता, पाए जाने वाले खनिजों में कौन कौन सा है, सीसा जस्ता तांबा। क्या क्या बताया, सीसा जस्ता तांबा निकिल कोबाल्ट आदि खनिज इस मेखला के रूप में पाए गए हैं। और ये मेखला जो भारत के उत्तर में स्थित है, और उत्तर में स्थित होने के कारण ये भी एक महत्वपूर्ण मेखला के रूप में मानी जाती है। तो यहाँ आपको 6 मेखलाओं के बारे में बताया गया कि वो कौन कौन सी मेखलाएं हैं। इन 6 मेखलाओं का आपको पूरी तरह से क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। यदि इन्हीं मेखलाओं को एक बार मानचित्र के माध्यम से अगर देखें तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। मानचित्र के माध्यम से अभी इन मेखलाओं के बारे में आपको बताया जाएगा।
देखिए अभी आपको जैसे मानचित्र के माध्यम से बता रहा हूँ कि भारत के अंतर्गत कौन कौन सी ये जो मेघालयाएं और किस क्षेत्र में स्थित हैं उनके बारे में अगर देखें तो सबसे पहले मेघालय का नाम बताया था आपको, नंबर एक झारखंड, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल कहाँ है आप देखिए इसमें, यहाँ से अगर देखें तो ये बांग्लादेश और बांग्लादेश के नज़दीक में ये तो क्या है पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के सारे अगर देखें तो यहाँ पर ये क्या है झारखंड है, और झारखंड के नीचे अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या है ये ओडिशा है, जो पहले इसको यानी पहले नाम इसका उड़ीसा था, उड़ीसा की जगह ओडिशा नाम हो गया है। तो अब इसमें यहीं अगर देखेंगे तो यहाँ इन तीनों राज्यों के मध्य में छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर, तो यहाँ जो पर्याप्त रूप में खनिज पाए गए हैं। यदि भारत की दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा जो खनिज पाए गए हैं वो झारखंड राज्य में पाए गए हैं, उसके बाद में यहाँ उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का नाम आता है। नंबर तो ये अपने को अगर इसको मानचित्र के माध्यम से दर्शाना चाहे तो अपने को यहाँ जो भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हैं उन उत्तर पूर्वी राज्यों में झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अंतर्गत यहाँ इसको दर्शाना होगा। नंबर दो का नाम बताया था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश मेघालय, क्या ना ये चार राज्यों के अंतर्गत हैं और इस मेघालय का जो विस्तार है वो काफी बड़ा होने के कारण, तो इसमें देखिए कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश यहाँ से अगर बात करें तो बिल्कुल मध्य में ये क्या है मध्य प्रदेश है, इसी मध्य प्रदेश से निकला हुआ राज्य कौन सा है यहाँ छत्तीसगढ़, कब अलग हो गया था ये सन 2000 में अलग हो गया था मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, ये तीनों राज्य सन 2000 में जो कि 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को अलग अलग रूप में बन गए थे। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर से ये क्या आ गया महाराष्ट्र आ गया, इधर से ये कौन सा राज्य आ गया ये महाराष्ट्र आ गया, और उसके बाद में यहाँ से अगर देखें तो ये राज्य आ रहा है आंध्र प्रदेश, ये मेघालय इसके अंतर्गत आ रही है, मध्य प्रदेश ये आ गया, नंबर दूसरा यहाँ छत्तीसगढ़ आ गया, इधर से ये महाराष्ट्र आ गया और इधर से क्या आ गया आंध्र प्रदेश आ गया। तो इन चारों राज्यों की स्थिति किसके रूप में है इस नंबर दो मेघालय के रूप में बताई गई है। नंबर तीन कौन सी बताई थी आपको, कर्नाटक, तमिलनाडु मेघालय। अब देखिए इसमें कर्नाटक कहाँ है, यहाँ से अगर देखेंगे नीचे केरल है, केरल से ऊपर अगर देखेंगे क्योंकि पश्चिमी जो तट है उस पश्चिमी तट की साइड में, तो यहाँ अभी आपको बताया था महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है गोवा है, तो गोवा से नीचे अगर देखेंगे तो ये राज्य कौन सा आ रहा है कर्नाटक आ गया, कौन सा आ गया ये कर्नाटक, और इसी कर्नाटक के इस साइड में ये कौन सा आ रहा है इधर ये तमिलनाडु आ रहा है, तो ये तो कौन सा है कर्नाटक है और ये कौन सा है तमिलनाडु है, तो इन दोनों राज्यों के अंतर्गत कौन कौन से खनिज पाए गए, तो ये मेघालय इस क्षेत्र के अंतर्गत पाई गई है, इस कारण से ये जो मेघालय है ये दक्षिण राज्यों के अंतर्गत मानी गई है। नंबर चार राजस्थान,
गुजरात, मेघालय। देखिए राजस्थान कहाँ है, इधर से अगर देखेंगे तो उत्तर में ये तो जम्मू कश्मीर आ गया, जम्मू कश्मीर के नीचे ये क्या है पंजाब आ गया, पंजाब के साइड में इधर ये क्या आ गया हरियाणा आ गया, इधर ये उत्तराखंड है, नीचे ये क्या आ गई दिल्ली आ गई, और इधर ये क्या आ गया ये राजस्थान आ गया, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्या है सबसे बड़ा राज्य। क्षेत्रफल कितना है राजस्थान का, 342,239 वर्ग किलोमीटर। कितना बताया, 342,239 वर्ग किलोमीटर। तो इसी में अभी अगर देखें तो राजस्थान और गुजरात मेघालय के रूप में बताया गया। तो यहाँ पर जो भारत के पश्चिम क्षेत्र में अगर देखें जिसमें राजस्थान को खनिजों का अजायब घर के रूप में कहा गया, और अजायब घर के रूप में कहने के कारण यहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में खनिज पाए गए हैं। तो ये मेघालय जो राजस्थान और गुजरात के अंतर्गत हैं। और नंबर पाँचवीं की अगर बात करें जिसमें आपको बताया था केरल, केरल मेघालय कहाँ पर है ये लास्ट में, ये कौन सा राज्य है केरल राज्य। तो इस केरल राज्य के अंतर्गत कौन कौन से खनिजों के बारे में, जैसे मोनाजाइट के रूप में बताया था, यूरेनियम के बारे में बताया था, या क्रोमाइट आदि के बारे में, ये खनिज किस राज्य में जो केरल राज्य के अंतर्गत पाई गई थी। ये मेघालय पूर्णतः दक्षिण में स्थित होने के कारण और यहाँ भी जो खनिज हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में पाए गए हैं। और नंबर लास्ट कौन सी है, हिमालय मेघालय, हिमालय मेघालय। तो हिमालय जो भारत के बिल्कुल कहाँ है, उत्तर में स्थित है, और उत्तर में स्थित होने के कारण के भारत के यहाँ जैसे नेपाल है और इसके साथ में यहाँ यूपी की सीमा लग रही है, तो इन क्षेत्रों में भी ये खनिज पाए गए हैं। तो ये खनिजों का जो वितरण है वो वितरण आपको इन मेघालय के माध्यम से आपको समझाया गया है। फिर भी अगर कहीं पर दिक्कत हो तो आप फिर से इसको पूछ सकते हो। तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है।